दोस्तों यहाँ पर कुछ लोग घर में बैठकर 100 आंखों वाले भूत को पकड़ने का प्लान बना रहे थे और वो लोग देख पाते हैं कि इस भूत के सारे आंखें बंद होने पर उसे पकड़ा जा सकता है। इसलिए वो लोग अपना दिमाग चलाते हैं और शहर में मौजूद सारे प्याज ले आते हैं। दूसरे दिन जंगल में वे लोग कटे हुए प्याज को बलून्स में भर देते हैं जिसे वे उस आंख वाले भूत के ऊपर मार सके। और जैसे ही वो 100 आंखों वाला भूत वहां पर आता है तब एक लड़का बिना सोचे उसके ऊपर बलून को फेंक देता है, लेकिन वो बलून लड़के के ऊपर ही फट जाता है। तभी उसके बाकी के दोस्त बोलते हैं शाबाश। फिर सभी बच्चे भी उस भूत पर बलून फेंकने लगते हैं, लेकिन वो भूत अपनी शक्तियों के द्वारा उनको आसमान में फोड़ रहा था। तब ये लड़की बाकी बचे हुए बलून्स को एक के बाद एक उसके ऊपर फेंकती है, लेकिन भूत उन सारे बलून्स को आसमान में ही फोड़ रहा था। फिर लड़की आखिरी बलून को भूत के ऊपर फेंकती है, लेकिन वो भूत अपने ही जाल में फंस जाता है। और जैसे ही वो बलून को फोड़ता है तब प्याज वाला पानी उसके ऊपर गिर जाता है जिससे उसकी हालत खराब हो जाती है और वो लड़की उस भूत को घोस्ट बुक के अंदर डालकर उसे पकड़ लेती है।